हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ शारीरिक शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैंने यूनान, रोम, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क के इतिहास के बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ और उन्हीं काल के जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनके नाम और उनके राइटर के नाम आज के वीडियो में मैं बता रही हूँ, जो आपके किसी भी फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे TGT हो, PGT हो, KVS, NVS जो भी हो, वेरी इम्पॉर्टेंट है। इन बुक्स एंड राइटर में से हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये बुक्स और राइटर हैं, पहला है इलियड तथा ओडिसी। इनकी रचनाकार हैं होमर, जो होमर काल में यानी यूनान के होमर काल में थे। दूसरा है जिम्नास्टिक फॉर द यंग तथा खेल। ये दोनों पुस्तक के रचनाकार फ्रेडरिक लुडविक जान हैं, जो जर्मन में जिम्नास्टिक के पितामह कहे जाते हैं। दोस्तों, जिम्नास्टिक फॉर द यंग को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग में उन्होंने व्यायाम के प्रभाव तथा उद्देश्यों से संबंधित बात लिखी है और द्वितीय भाग में धावन, फेंकने, कूदने, रस्सी पे चढ़ना, नृत्य, कुश्ती, तैराकी, चलना तथा सैनिक व्यायामों की विधिवत व्याख्या की है। और खेल नामक पुस्तक में 105 मनोरंजक खेलों की रचना की है। तीसरा बुक्स है जिम्नास्टिक प्रणाली। इसके रचनाकार हैं एडॉल्फ स्पीच। इन्होंने 1833 से 1848 के बीच में इस पुस्तक की रचना की है, जिसमें जिम्नास्टिक के बारे में इन्होंने लिखा है और जिम्नास्टिक को शारीरिक शिक्षा को एक सामान्य शिक्षा के रूप में बनाने का इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया था जर्मनी में। चौथा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक, जिनके रचनाकार हैं पर हेनरिक लिंग, स्वीडन के थे। इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से व्यायाम को स्वीडन में आरंभ करने वाले व्यक्ति थे और इन्हीं के नाम पर वर्षगांठ मनाई जाती है स्वीडन में 1939 में, जिसे लिंगयार्ड का नाम दिया गया, यानी प्रथम लिंगयार्ड 1939 में मनाया गया और द्वितीय लिंगयार्ड 1949 में मनाया गया। पांचवा है जर्मन जिम्नास्टिक। इसके लेखक हैं फ्रेडरिक लुडविक जान, जर्मनी के थे। इन्होंने जर्मन जाति में राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में शारीरिक शिक्षा को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। छठवां है जिम्नास्टिक पुस्तिका। इसके लेखक हैं फ्रेंज नेस गार्ल। ये डेनमार्क के थे और डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा दिए और ये डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा की नींव डाली। सातवां है जिम्नास्टिक प्रक्रियाओं की सैनिक प्रणाली, ए मिलिट्री सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज। इसके लेखक हैं आर्चीवाल्ड मैकलेरिन, इंग्लैंड। ये इंग्लैंड में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने में अभूतपूर्व प्रयास किए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शारीरिक शिक्षा के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण बुक के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगले सेशन में हम लाएंगे इंग्लैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के इतिहास के बारे में। ऐसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप
हर एक टॉपिक पर वीडियो लाती रहूँगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।